मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस में या होटल में बितानी होगी। हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है और अब मैकेनिक के बिना वो ठीक भी नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में हड़बड़ाती हुई उठी। आयुष, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार ले लो। अरे हाँ हाँ महारानी, खरीद लेंगे, अब अपना हैंडबैग उठाओ और चलो, रात गुजारने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। वह आवाजें काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। आयुष, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मोहन ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीदा है? उस आवाज के डर से मिताली आयुष के सीने से लिपट गई। उस वक्त आयुष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें पुरानी हवेली दिखाई दी। वो दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के गेट पर कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए दोनों गेट खोलकर हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे के पास डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उसे आयुष ने 2-3 बार खींचा, पर अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उससे ही पहले अंदर से एक भारी आवाज आई। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और ना ही उन्होंने कोई आवाज की थी। फिर दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त के फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, फोन ऊपर आखिरी कमरे में है। जी, मेरा नाम आयुष है और ये मेरी पत्नी मिताली। मेरा नाम दादा पंडित है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आयुष और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे थे। फिर उनकी नजर दादा पंडित के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो बिल्कुल खाली थी, और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। सब तस्वीरों में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था, सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर आयुष और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से मोहन को फोन लगाने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नजर उस दीवार पर पड़ी। वहां एक फोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें कोई भी तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा पंडित से बोले, जी आपके लैंडलाइन से कोई फोन नहीं लग रहा। यहाँ की फोन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, आप दोबारा प्रयास करें, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यही रुक जाइए। मिताली और आयुष कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वही रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आयुष की नींद अचानक से खुल गई और वो एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह से डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आयुष की नजर दीवार पर गई। कुछ ही घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उनके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने तुरंत मिताली को उठाया और वो तस्वीर दिखाई। फिर दोनों ने वहां से दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वो दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज आ रही थी। अब वो दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोलकर बाहर भागना था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उनकी हर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। और अब दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आयुष और मिताली दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त उस हवेली में बिजली भी चली जाती है। चारों तरफ शमशान सा सन्नाटा फैल जाता है।
मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च शुरू करती है। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा पंडित की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी, और अगले ही पल दादा पंडित तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिग्गी बैठ गई और आयुष बस बेसुध देखता रह गया। कुछ ही पलों में जब मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, अब तक उजाले में मिताली और आयुष को वहां पर अजीब अजीब सी आवाजें बहुत तेज तरीके से आने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी, और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई, और दादा पंडित झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे। बड़े शौक से दादाजी वो तस्वीर खरीद के लाए थे। दादाजी की उम्र अब लगभग 70 साल की हो गई थी। जब से उनकी पत्नी शारदा ये दुनिया छोड़ के चली गई थी, वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। दादाजी वो तस्वीर किसी आर्ट गैलरी से खरीद के लाए थे। उनका कहना था कि वो तस्वीर उन्हें शारदा की याद दिला रही थी। उन्होंने उस तस्वीर को अपने बेडरूम में लगाया। अपने पलंग पे सोते सोते घंटों वो उस तस्वीर को ही देखा करते थे। दादाजी का बेटा दिनेश और उनकी बहू राधिका दोनों ही उनकी इस आदत से कुछ परेशान से हो गए थे। कभी कभी तो उनके रूम में से अकेले ही कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आती रहती थी। राधिका ने दिनेश से कहा कि दादाजी अब उस तस्वीर से बातें भी करने लगे थे। दिनेश इस बात से बड़ा ही चिंतित हो गया था। उसने वो तस्वीर दादाजी के बेडरूम से निकालनी चाही, लेकिन उसकी इस हरकत से दादाजी नाराज हो गए और उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। मजबूरन दिनेश को वो तस्वीर फिर से दादाजी के कमरे में लगवानी पड़ी, लेकिन अब दादाजी ने बहू और बेटा दोनों से ही बात करना भी छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वो खाना भी अपने कमरे में ही खाने लगे थे। दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब ही होती जा रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। एक दिन राधिका उनके कमरे में उन्हें खाना देने आई, तो उसने देखा कि दादाजी बस एक टक उस तस्वीर को ही घूर रहे थे और उनके ओंठ कुछ पुटपुटा रहे थे। शारदा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? दादाजी की ये बात सुन के राधिका बहुत घबरा सी गई। उसने उस तस्वीर की तरफ देखा। दो पल के लिए उसे भी लगा कि जैसे उस तस्वीर की आंखें उसे ही घूर रही है। उस कमरे में रोशनी बहुत ही कम थी और एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। न जाने दादाजी उस कमरे में कैसे रहते थे। राधिका ने खाना रखा और वो उस कमरे में से बाहर निकल आई। शारदा, क्यों तड़पा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। दादाजी अकेले ही पुटपुटा रहे थे। चांद की हल्की सी रोशनी उस खिड़की में से आके उस तस्वीर पर गिर रही थी। धीरे धीरे उस तस्वीर का नूर पलटने लगा, मानो वो तस्वीर जिंदा हो रही हो। शारदा, तुम आ गई, तुम आ गई शारदा। दादाजी पुटपुटा रहे थे। एक सुंदर सी लड़की दादाजी के सिरहाने आके बैठ गई। हाँ, मैं आ गई, वो लड़की बोली। अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। दादाजी इतना बोल ही रहे थे कि चांद की रोशनी उस लड़की के चेहरे पे आ पड़ी। दादाजी ने उसकी तरफ देखा। नहीं नहीं, कौन हो तुम? तुम शारदा नहीं हो, तुम शारदा नहीं हो, वो चिल्लाए। उस लड़की का चेहरा बड़ी ही भयानक तरीके से सड़ चुका था। वो दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुराई। डरिए मत, अगले पूर्णिमा के दिन हम एक हो जाएंगे, फिर आपको मुझसे कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। दादाजी जोर से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन मानो जैसे उनकी आवाज ही चली गई थी। उस लड़की ने धीरे से उनका माथा चूमा और मुस्कुराती हुई फिर से उस तस्वीर में गायब हो गई। दूसरे दिन जब राधिका दादाजी के कमरे में आई, तो वो दादाजी का चेहरा देख जोरों से चिल्लाई। दिनेश दौड़ता हुआ कमरे में आया। उसने देखा कि दादाजी का चेहरा पूरा सूख चुका था, मानो जैसे किसी ने उनका खून ही चूस लिया हो। उनकी सांस तो चल रही थी, लेकिन उनकी आंखें सफेद पड़ गई थी।
और वो एकटक उस तस्वीर को ही घूरते जा रहे थे। लेकिन अब उनकी आंखों में वो प्यार, वो जज्बात नहीं था जो पहले दिखाई देता था। अब उस प्यार और जज्बात की जगह किसी खौफ ने ले ली थी। उनके ओठ सूख चुके थे, वो कुछ पुटपुटा रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? दिनेश उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। पूर्णिमा, पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा। दादाजी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शब्द उनके मुंह में से निकल ही नहीं रहे थे। वो अपने हाथ से उस तस्वीर की तरफ इशारा करने लगे, लेकिन दिनेश को उनकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। दादाजी, हम वो तस्वीर वहां से नहीं निकालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हताश होकर दादाजी का हाथ बिस्तर पर गिर पड़ा। डॉक्टर ने दादाजी की पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें भी उनकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। दादाजी उस तस्वीर को वहां से हटाना चाहते थे, लेकिन किसी को भी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार पूर्णिमा का वो दिन आ ही गया। दादाजी सहम कर उस तस्वीर की तरफ देख रहे थे। जैसे ही चांद की रोशनी उस तस्वीर पे पड़ी, वो लड़की उस तस्वीर में से बाहर आने लगी। दादाजी दिनेश और राधिका को पुकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह में से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीमे से उनके पास आई। मैं आपको लेने आई हूँ, अब हमें कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। नहीं, तुम शारदा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। दादाजी पुटपुटाने लगे। तुमने ठीक पहचाना, मैं शारदा नहीं, कमला हूँ, वो लड़की बोल रही थी। एक चित्रकार मेरी तस्वीर बनाना चाहता था। मेरी तस्वीर बनाते बनाते वो मुझसे प्यार करने लगा और उसने मुझसे शादी करने की इच्छा दर्शाई। लेकिन जब मैंने इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर मेरी हत्या कर दी, और फिर मेरे ही रक्त से उसने इस तस्वीर के रंग भरे और बाद में खुद भी कर ली। तभी से मैं इस तस्वीर में रह रही हूँ। जिस दिन मेरी हत्या हुई वो दिन भी पूर्णिमा का ही दिन था। हर पूर्णिमा के दिन मुझे रक्त की प्यास लगती है। अब आओ, मेरी प्यास बुझाओ। इतना कहकर उस डायन ने अपना मुंह खोला। दादाजी के मुंह से एक हल्की सी चित्कार निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। दिनेश और राधिका को कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार दादाजी की मौत की असली वजह क्या थी। उन्होंने उस कमरे का सारा सामान कबाड़ खाने में बेच दिया, जिसमें वो तस्वीर भी थी। पता नहीं अब वो तस्वीर कहाँ पे है और किस घर की दीवार पर टंगी हुई है। कहीं वो तस्वीर आपके घर में तो नहीं है ना? ये है रॉकी, विकी और रोहित। आज तीनों पहुंचे हैं हरिश्चंद्रगढ़। भाई ये तो बहुत ऊंचा लग रहा है। है तो ऊंचा, लेकिन मजा आएगा ट्रैकिंग करने में। तुम दोनों की मजा और मेरी सजा। तुम्हारे बैग्स हल्के हैं और मेरा इतना भारी। तो क्या हमने कहा था इतना सामान लाने? अब भूख तो। तीनों दोस्तों ने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं असली ट्रैकिंग। वैसे कितना टाइम लगेगा हमें वहां ऊपर पहुंचने में? यही कोई 6-7 घंटे। क्या? तीनों दोस्त अपना सफर जारी रखते हैं। सुबह से शाम हो गई, सूरज ढल रहा था। यार अब मुझसे चला नहीं जाएगा। मुझसे भी। ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। विकी एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पानी पीने लगा। रॉकी ने अपने जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसे खाने लगा। रोहित बहुत थक गया था, उसे पेड़ के पास एक सीधा मार्बल दिखा, वो उस पर लेट गया। कुछ देर बाद, चलो यार अब चलते हैं,
वरना ऊपर पहुंचने में देर हो जाएगी। हाँ यार, हाँ चलो। रोहित ने अपना सारा सामान बड़ी आसानी से उठा लिया। लगता है आराम करके इसमें एनर्जी आ गई। भाई तू भूल गया क्या, ये तो सुपरमैन है। रोहित ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चलने लगा। दोनों दोस्त उसके पीछे चलने लगे, लेकिन रोहित जिस मार्बल पे सोया था वो एक कब्र थी। विकी और रॉकी बातें करते हुए चल रहे हैं, लेकिन रोहित कुछ नहीं बोल रहा। अचानक रोहित सामने से गायब हो गया। हा? रोहित, रोहित, अरे रोहित कहाँ गया? कहाँ गया ये? मैं यहाँ हूँ। तू यहाँ कैसे? तू पीछे कब गया? बस अभी। चलो जल्दी चलो। रॉकी और विकी फिर से चलने लगे। उन्हें कुछ तो अजीब लग रहा था। ये क्या हो रहा है? शायद हमारा वहम हो। चल चलते हैं। कुछ देर चलने के बाद रोहित अचानक सामने चलने लगा। अरे ये वापस आगे कैसे आया? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों दोस्तों को अब डर लगने लगा। कुछ ही देर में वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अरे रॉकी, टेंट तेरे पास है क्या? नहीं, मेरे पास है। रोहित ने टेंट निकाल कर दिया। विकी ने कांपते हुए रोहित से टेंट लिया और फिर डरे हुए विकी और रॉकी टेंट लगाने लगे। अरे इसे हुआ क्या है? विकी, कुछ तो गड़बड़ है। इसकी आवाज भी कितनी अजीब हो गई है। मुझे भूख लगी है। रॉकी और विकी ने अपने बैग से खाने का सामान निकाला और रोहित के सामने रख दिया। रोहित सारी चीजें हड़बड़ी में खाने लगा। ये देखकर रॉकी और विकी का गला सूख गया। मुझे और खाना चाहिए। हमारे पास तो सिर्फ इतना ही था। तुमने हम सबका खाना अकेले खा लिया? हाँ, और अब मैं तुम दोनों को भी खाऊंगा। विकी और रॉकी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। भागते भागते वो दोनों उसी पेड़ के पास आ गए जहाँ वो कब्र थी। चलो बच गए। लेकिन ये रोहित को हो क्या गया है?